मलीर कैंप कराची में जमा हुए पाक फौज के जवान और जामियात की तालिबात। पाक फौज के जवानों ने तालिबात को किसी भी दहशतगर्दी से निमटने का अमली मुजाहरा दिखाया। मशकों में दहशतगर्दों से मुख्तलिफ कंपाउंड आजाद कराने के अलावा जिस्मानी मशकें भी की गयी, जबकि सूरत हाल को हकीकत का रंग देने के लिए फायरिंग और स्मोक बम भी इस्तेमाल किया गया। तालिबात को जदीद असलहे की पहचान कराने के अलावा निशानाबाजी का मुकाबला भी कराया गया, जिसमें कामयाब तालिबात को इनाम से भी नवाजा गया। तालिबात कहती है, यहां आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पाक फौज तमाम खतरात से नबर आजमा होने की सलाहियत रखती है। जैसे भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमें जिस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, यहाँ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस आया अपनी आर्मी के ऊपर। मैं गन शॉट करना सिखाया अभी और उसमें से मेरे 2 टारगेट्स हिट हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान आर्मी का पहले तो सुना था, दिल में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन यहाँ आकर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उससे बहुत खुशी हो रही है। और जो हमने वेपन्स को ट्राई किया, इट वाज रियली डिफिकल्ट। लाइक तालिबात को 300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले अल खालिद टैंक के मुतालिक भी आगाही फराहम की गई, जबकि तालिबात ने टैंक पर सवार होकर खूब लुत्फ उठाया। तालिबात ने मलीर कैंट में पाक फौज के जेर इंतजाम चलने वाली खसूसी बच्चों के स्कूल का भी दौरा किया।